हेलो एवरीवन, आई उत्कर्ष सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनर्जी ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इन विच वी विल लर्न क्वेश्चनेयर ऑफ एनर्जी ऑडिट प्रोजेक्ट एंड एनर्जी फ्लो डायग्राम. On previous video, you have learned about energy audit instrument and their use. Energy audit, as per definition of according to Energy Conservation Act. Learning outcomes: after watching this video, you will be able to learn the questionnaire for energy audit projects and energy flow diagram, Sankey diagram objective. First, what is the importance of questionnaire? What is the meaning of questionnaire? Questionnaire का मतलब होता है जब कोई person energy audit के लिए जाता है किसी भी project पे या कोई भी field work पे, ठीक है, कोई भी residence हो या commercial हो या industrial हो, कोई भी जगह पे अगर वो जाता है energy audit के लिए, तब उसको कौन कौन से questions पूछने हैं, है ना, वो उस पर एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं. दैट आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द मशीन, अकॉर्डिंग टू द एरिया. मुझे उस एरिया के हिसाब से, उस मशीन के हिसाब से मुझे ये क्वेश्चन पूछने हैं. दिस इज़ व्हाट क्वेश्चनेयर इज़. एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि द मेन एम ऑफ द क्वेश्चनेयर इज़ सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना. Without data, you can't work on any project. आप किसी भी data के बिना कोई भी project पे काम नहीं कर सकते. तो first of all, the main thing is to collect the basic data. Then gather the information of the different of then of an organization. मतलब अलग अलग organization के different information आपको gather करनी है, ठीक है. वी कैन गैदर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप एनर्जी ऑडिट करने के गए हो तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है एक ही टाइप का मटेरियल लगा हो, है ना. हर तरफ अलग अलग टाइप के मटेरियल्स लगे रहते हैं, तो आपको जो भी वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से रिलेटेड है कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी अप्लाइंसेस, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. क्वेश्चनेयर क्या हेल्प करता है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के नीड्स, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें प्रॉपर दे सके, उसके लिए हमें ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो प्रोजेक्ट हैंडल करने, तब आपको अगर उस एरिया के बारे में या उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी इक्विपमेंट लगे हैं आपको यही नहीं पता होगा, तो आप वहाँ पे एनर्जी ऑडिट कैसे करोगे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने चाहिए आपके दिमाग में एज अ एनर्जी ऑडिटर. देखो, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो जहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर का एनर्जी ऑडिट करना है, तो आप क्या देखोगे. सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वहाँ पे कितने सारे ट्रांसफार्मर है उस टाइप के, रेटिंग ऑफ दैट ट्रांसफार्मर, इन विच लोकेशन इट इज़ बिल्ड, मतलब कौन से लोकेशन में उसको रखा गया है, ठीक है, व्हाट इट्स सप्लाई वोल्टेज, वो कितना आउटपुट वोल्टेज देता है ना, डिटेल्स ऑफ OLTC, ओवरलोड लोड, ओवरलोड टैप चेंजर, जो उसका टैप चेंजर होता है ना, उसमें टैपिंग्स होती हैं ट्रांसफार्मर में, वो किस तरीके से चेंज होते हैं, वो अभी रिसेंट में उसको कौन सा लोड दिया गया है ना, आगे उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट है. सो दीज आर द क्वेश्चंस यू शुड आस्क टू योर सेल्फ, और यू कि मुझे ये क्वेश्चंस पूछने हैं जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करने जाऊंगा, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक कैपेसिटर. इफ़ यू हैव टू ऑडिट अ कैपेसिटर, देन व्हाट क्वेश्चन यू हैव टू स्टडी ऑन, कि कौन से टाइप का कैपेसिटर है, पावर फैक्टर कैपेसिटर है क्या ये, है ना, कितने KVAR का है, कौन से लोकेशन में है, और अगर उसको लोकेशन दिया है तो कितने कितना KVR का मैंने यूज़ किया है कि मेरा पावर फैक्टर 1 तक आए, है ना.
प्लांट का पावर फैक्टर कितना है, लैगिंग है कि लीडिंग है, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे स्टडी करने पड़ेंगे। मोटर रहा तो आप टाइप एंड साइज ऑफ द मोटर, रेटिंग ऑफ द मोटर, क्वांटिटी, वोल्टेज, करंट, कितने आवर्स वो चल चुका है ना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है मोटर्स में। कंप्रेसर हो गया तो कंप्रेसर कौन से टाइप का है ना, कौन सी कैपेसिटी का कंप्रेसर होता है, उसकी उसमें जब मोटर लगी उसकी रेटिंग क्या है, कितना ज़्यादा एयर प्रेशर उसने ऑलरेडी कंप्रेस किया हो गया है, एनुअली मतलब पूरे एक साल में उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया। और फिर बाजू में आपको रिमार्क भी लिखना है, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एसी और रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर आप कहीं पे जाते हो तो यू हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कैपेसिटी का है, कितने यूनिट टाइप का है ना, उसमें कौन से कंप्रेसर लगे हुए हैं और उसकी कंडीशन कैसी है, अप्रॉक्स एनर्जी कंजम्पशन रिमार्क्स। सो आप जब भी, अब ये सारे हमारे मशीन्स पे हो गए, फॉर एन एग्जाम्पल आप खुद देखो, जब आप अपनी व्हीकल जो आपकी टू व्हीलर या फोर व्हीलर को आप जाते हो किसी भी कंपनी में सर्विसिंग कराने के लिए, तब आप वहाँ पे जो सर्विसिंग करने वाला पर्सन होता है वो आपसे क्या पूछता है कि आपकी गाड़ी कितने माइलेज चली है ना, कितने किलोमीटर्स चली है ना, कब खरीदा था आपने है ना, ये सारे आपने पेट्रोल कितना डाला है वगैरह वगैरह है ना, एक्सीडेंट हुआ था क्या, तो ये उसकी नॉलेज के लिए है, ताकि वो जब आपसे ये इन्फॉर्मेशन वो आप ले लेंगे वो आपसे, तब फिर वो उस पर और अच्छे से काम कर पाएंगे है ना, तभी जाके वो प्रॉपर सर्विसिंग दे पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये इतने किलोमीटर्स चली है तो मुझे इसको और अच्छे से सर्विसिंग देनी पड़ेगी, ताकि ये एक साल तो भी या 6 मंथ्स इट शुड गो वेरी स्मूथली है ना। तो इसीलिए एनर्जी ऑडिट करते वक्त आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है पूछना ना। एनर्जी फ्लो डायग्राम, एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या होती है, एनर्जी फ्लो डायग्राम को हम लोग एनर्जी फ्लो चार्ट भी कहते हैं। देखो एनर्जी फ्लो डायग्राम जो होती है वो इसीलिए होती है ताकि हमें हर एक चीज़ बहुत क्लैरिटी से दिखे। अभी अगर आगे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कोराडी पावर प्लांट का या किसी भी पावर प्लांट का, तो आप सिर्फ वर्बली या सिर्फ बोल के बता सकते हो क्या कि ये इतना जनरेट कर रहा है और हम इतना आउटपुट दे रहे हैं और हम यहाँ वहाँ आउटपुट दे रहे हैं। हर एक प्लांट का अपना एक लोड होता है कि वो किधर कहाँ पे वो उनकी सप्लाई जाएगी, ठीक है। तो क्या आप सिर्फ उसको बोल के बता सकते हो, नहीं, हमें उसको चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ता है ताकि आप उसको और क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट कर सको, ठीक है। तो इसीलिए एनर्जी फ्लो डायग्राम होती है, जिससे कि उसमें ये दिखता है कि आप कितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हो, आप कितनी एनर्जी आउटपुट में दे रहे हो, कितनी एनर्जी आपका लॉसेस में जा रहा है और कितनी आपको लोड में जा रहा है, ये सब कुछ प्रेजेंट करने के लिए हमें एनर्जी फ्लो डायग्राम बनानी पड़ती है, ठीक है। एनर्जी फ्लो डायग्राम में प्राइमरी एनर्जी होता है, जैसे कि रॉ फ्यूल्स, आपको मैंने पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था कि प्राइमरी एनर्जी कौन से होते हैं, जो रॉ फ्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो सिस्टम को देते हैं, फिर सिस्टम वहाँ पे एनर्जी सप्लाई करके कन्वर्जन करती है और फिर वहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, फिर जब वो ट्रांसफ़र होता है, मतलब हम यहाँ वहाँ उसको देते हैं ट्रांसमिशन में, तब ट्रांसमिशन में हमारे लॉसेस भी होते हैं और कुछ और जो लॉसेस होते हैं, और उस लॉसेस को अगर आप रिमूव करो तो फिर हमारे कहाँ आउटपुट मतलब हमारे लोड में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एनर्जी फ्लो डायग्राम में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एनर्जी फ्लो डायग्राम को हम सैनकी डायग्राम्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एरोस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम कितनी ज़्यादा क्वांटिटी एनर्जी कहाँ पे यूज़ हो रही है। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल देखो, नेचुरल गैस 1000 मेगावाट आवर, ठीक है, जनरेट हुआ, आपने उसको CHP कोल हैंडलिंग प्लांट को दिया, ठीक है ना, अभी वहाँ पे उसके साथ मिलके फिर उसकी जो हीट जनरेट कितनी हो रही, 573 मेगावाट आवर।
पावर सप्लाई कितनी जनरेट हो रही, 330 मेगावाट आवर। लॉसेस कितने जनरेट हो रहे, 98 मेगावाट आवर। मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि मैं यहाँ पे उस प्लांट में जितनी भी एनर्जी यूज़ हुई, मतलब जनरेट हो रही है, उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, या मेरी पावर सप्लाई कितनी है, हीट कितनी जनरेट हो रही है और लॉसेस कितनी जनरेट हो रही है, ये सारा प्रेजेंट करने के लिए हमें एनर्जी फ्लो डायग्राम बनाना पड़ता है। एनर्जी फ्लो डायग्राम्स में आप किलोवाट आवर, MWH मतलब मेगावाट आवर, BTU, MTU ये सब आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग मोस्टली अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं। एनर्जी फ्लो डायग्राम देखो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ये है कि अभी देखो, जैसे अगर आप नेशनल लेवल पे बात करो तो अगर आप अपना मैप देखोगे तो उस मैप में मैं ये दिखा सकती हूँ कि यहाँ से मेरी एनर्जी जनरेट हो रही है और मैं यहाँ यहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, ट्रांसमिट कर रही हूँ, मेरा ट्रांसमिशन इतना है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना है। तो वो हम नेशनल एनर्जी बैलेंस बना सकते हैं, फिर आप रीजन में बना सकते हो। जैसे सिर्फ नागपुर का अगर आपको दिखाना है तो एक नागपुर का अलग से चार्ट बनेगा एनर्जी फ्लो डायग्राम का, जहाँ पे अगर कहीं से जनरेट हो रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा। मतलब देखो, ये हर एक रीजन में बन सकता है, कंट्री लेवल में बना सकते हो आप एनर्जी फ्लो इन अ रीजन में बना सकते हो, कॉरपोरेट एनर्जी फ्लो। अभी जैसे कोई रिलायंस का पावर प्लांट पकड़ लो, तो रिलायंस का पावर प्लांट एक जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो किस किस एरिया को देगा, एक उसका एक एनर्जी फ्लो डायग्राम बन सकता है। या तो फिर एनर्जी स्टीम इन अ टेक्निकल प्रोसेस, एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब अभी ये सारे जनरेट हो रहे हैं तो कहाँ पे कितना एफिशिएंटली एनर्जी जा रहा है, कहाँ पे लॉसेस कम हैं, ये सब भी हम उस एनर्जी फ्लो डायग्राम पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम्स का ये इम्पोर्टेंस है, एंड दीज आर द एप्लीकेशंस। समरी, सो इन दिस वीडियो यू हैव लर्न अबाउट क्वेश्चनेयर फॉर एनर्जी ऑडिट प्रोजेक्ट्स एंड एनर्जी फ्लो डायग्राम, PO मैपिंग। हियर वी हैव मैप PO 1, 2, 3, 10, PSO 1। नेक्स्ट स्लाइड विल बी ऑन अदर क्वेश्चनेयर फॉर एनर्जी ऑडिट प्रोजेक्ट। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।